हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिच इन स्टाइल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको कपड़े की हेल्प से गला बनाना बताऊंगी बिना बुकरम के। दोस्तों, बुकरम वाला गला तो मैंने हर बार बताया है, लेकिन कपड़े की हेल्प से गला बनाना बहुत आसान होता है और ये बहुत ही फायदेमंद भी है, क्योंकि बुकरम हम जब धोते हैं तो उसके बाद वो सिकुड़ जाता है, जिससे फिटिंग खराब हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे सूट जब आपके पास हो जहाँ पे कढ़ाई की गई हो, या फिर कोई सिंपल अस्तर वाला सूट हो, तो उसमें आप ये नेकलाइन ज़रूर ट्राई करें। इसका फिनिशिंग बहुत बढ़िया बैठता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक सूट है जिसके गले का कटिंग मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने 6 इंच का गला बनाया है, आप चाहो तो ब्रॉड भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये वो पीस है जो मैंने कुर्ते से काटा था। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और अब हम हमारे पास जो कुर्ती का कपड़ा जो बचा हुआ हो उसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से, और इसके ऊपर अब हम अपने इस कुर्ते के पीस को बिठा लेंगे। हमें कपड़े के बंद वाली साइड पर अपने नेक पीस का बंद वाला साइड बिठाना है और उसको एक आउटलाइन दे देनी है। कपड़े के ऊपर जब ये पैटर्न बैठ जाए उसके बाद 1 से 1.25 इंच का गैप रखते हुए एक आउटलाइन और दीजिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गला जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा कपड़ा मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है। और अब इस पैटर्न को काट लीजिए। ये पूरा शेप हमारे पास आ गया है, ये राउंड शेप है। आप इसको किसी भी और तरह के शेप में भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम उल्टी वाली साइड पर इसके कॉर्नर्स को सील कर देंगे थोड़ा सा मार्जिन रख के। ये देखिए, ये पूरी पट्टी तैयार हो गई है। अब हमें अपने कुर्ती के ऊपर इसे अटैच करना है। ये हमारी कुर्ती है, इसका सीधा साइड है। अब इसके ऊपर हमारा जो सिलाई वाला साइड है वो हमें बाहर की तरफ रखना है, जो खुला साइड है उसे यहाँ पे बिठाना है। पहले इसे टेकपिन की हेल्प से पूरा सिक्योर कर लीजिए। ध्यान रखिए, जो सिलाई की थी वो साइड बाहर है और जो खुला हुआ पोर्शन था वो कुर्ते के ऊपर है, कुर्ते की ये सीधी साइड है। चलिए, अभी हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो बंद वाली साइड है वो बाहर की तरफ रखी है, और ये जो खुली वाली साइड है वहाँ पर हम 1 पॉइंट जितना मार्जिन दे करके सिलाई चलाएंगे। मैंने पीस काटते वक्त ही ऊपर थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था, वो इसलिए ताकि हम शोल्डर ज्वाइन करें तब हमें सीलिंग के वक्त वो काम आए। धीरे धीरे टैक पिन हटाते जाइए और पूरे शेप के ऊपर सिलाई कर लीजिए। हमें बुकरम पे जब सिलाई करनी होती है तो हमें ये देखना होता है कि हमारा बुकरम खींचे नहीं, वरना गला ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप कॉम्प्लिकेटेड जो नेकलाइन हो वो भी इस पे बना सकते हैं। हमने इसकी आउटलाइन ऑलरेडी सील कर ली है, हमें इसको अंदर दबाते वक्त अब कोई टेंशन नहीं है, इसको बाद में वापस से हमें सील नहीं करना। लीजिए, पूरे गले पर ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसे उल्टा करते हैं, जैसे हम नॉर्मल बुकरम को करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। बस अब इसे उल्टा करके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लीजिए। आपको कहीं भी अगर कट लगाने हो तो लगा सकते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड नेकलाइन हो तो थोड़े थोड़े कट लगा लीजिए। ये जॉर्जेट का कपड़ा है इसलिए मुझे कट लगाने पड़े, आप अगर कॉटन पे काम करोगे तो आपको कट नहीं लगाने पड़ेंगे। बस कट लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका धागे की जो सिलाई हो वो ना कटे। और अब बस इसे उल्टा करते हुए फिनिशिंग की सिलाई दे दीजिए। ये लीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप ये पैटर्न भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो हम क्रॉस पट्टी काटते हैं जिसे ओरेप पट्टी कहते हैं, उसे भी इस तरह से सील करके आप पैटर्न बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट देखिए, आपको काम के काफ़ी सारे वीडियोज में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।